हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो स्किन की पिगमेंटेशन को, स्किन की चमक को बढ़ाएगी, पिगमेंटेशन को दूर कर देगी और सन बर्न के निशान हो आपके या सन टैनिंग के निशान हो रहे हो, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम आती जा रही हो, तो इस रेमेडी को एक बार ज़रूर से लगा लेना। से भी ज़्यादा ग्लो आपकी स्किन में आने वाला है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बनी हुई है, घर पर ही हमने रेडी की है। अगर आप कोई मार्केट की ब्लीच वगैरह करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा जो है हमारी बर्न हो जाती है, उस समय तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लेकिन बाद में स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं स्किन को ब्राइटल करना, स्किन को फेयर करना इस समर्स में, तो ज़रूर से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बेल आता है उसको ज़रूर से प्रेस करें। तो चलिए वीडियो रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले खाली हमें बॉयल ले लेना है। तो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट में जो मैं डालने वाली हूँ वो देखिएगा, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये है रोज़ जेल और ये है मसाज रोज जेल। आप इसकी जगह पे जो है सकते हैं एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ले रही हूँ रोज जेल और यहाँ पर लूंगी मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून से भी कम, छोटा वाला 1 स्पून लेना है, बड़ा वाला है तो 1/2 स्पून। उसके बाद देखिएगा सेकंड कुकुम्बर जेल है और ये जो है ये आपकी स्किन को टाइट बनाता है, बेदाग बनाता है, स्किन को ब्राइट कर देता है। इसकी जगह आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है टीम, ये देखिएगा इतनी। और इन दोनों जेल्स को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दूध और ये कच्चा दूध नहीं है, ये बॉयल हुआ दूध है, फ्रीज में रखा हुआ। जब ये ठंडा दूध है, ध्यान रखिएगा ठंडा दूध फ्रीज में रखा हुआ ही आप यूज़ करें। और इसकी मलाई आप पहले हटा दीजिए अच्छे से, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। सिर्फ 1 चम्मच के करीब मैं इसमें दूध इस्तेमाल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये पैक जो है हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। और इसे किस तरीके से यूज़ करना है आपको तो वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिएगा अच्छे से आप इसे मिक्स कर दीजिए तो कुछ इस तरीके का, ये देखिएगा इस तरीके का बनकर रेडी हो चुका है, इस तरीके का बनकर पैक रेडी हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है बनाना क्योंकि ये एंटी एजिंग को भी दूर करेगा और बनाना से अच्छा फेशियल आप जो है सोच भी नहीं सकते कि क्या बनाना हमारे फेस में बहुत अच्छी शाइन ला सकता है। जी हाँ, बनाना आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा शाइन ला सकता है, इसलिए देखिएगा मैंने लिया है छिलका आपको इस तरीके से इसका। अब आपको क्या करना है, आपको यही लेनी है इस तरीके से इसके छिलके में और इस तरीके से आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा आपके फेस को क्लीन होना चाहिए आपका फेस जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आपको हल्के हल्के हैंड से रब करना है इसे। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको उस तरीके से आपको कर लेना है और 5 से 7 मिनट इस तरीके से मसाज देनी है आपको। ये आपकी क्लीनिंग तो करेगा, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटर कर देगा। को लगाकर अभी से जो है सूखने के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट में ये आपका वेट ड्राई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नॉर्मल ही आपको इसे सूखने दीजिए, ज़्यादा पंखे के नीचे ना सुखाएं। अगर आप पंखे के नीचे सुखाएंगे तो जल्दी ड्राई हो जाएगा तो उसका ग्लो आपके फेस में नहीं आएगा। इसे वॉश करने के बाद फेस पे कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। आई होप आपको वीडियो रेमेडी जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को और लोगों में भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।